हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी वर्ड के आगे ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं, और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ जो मैंने वर्ड दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ यही आएगा। ए और एन के प्रयोग को समझ के आप इसके अलावा भी कोई वर्ड अगर टीचर आपसे पूछते हैं, आप उसको भी बनाने में एबल हो जाइएगा। तो बेसिकली ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के पहले होता है और एन का यूज़ वोवेल के पहले होता है। तो चलिए इस कुछ एग्जांपल को देखते हैं और हम समझते हैं कैसे करते हैं। तो रैट, रैट क्या है? चूहा। रैट, आर जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके आगे क्या यूज होगा? ए। डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है? चिकित्सक। तो डॉक्टर क्या है? उसके आगे डी है, तो डी हमारा कॉन्सोनेंट, ए यूज होगा। मैट, मैट का मतलब होता है नीचे जो बिछता है, गलीचा, उसको कहते हैं। एम, मैट शुरू होता है एम से और एम जो है वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। चलिए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? वो भी हमारा स्टार्ट सी कॉन्सोनेंट से होता है, तो ये भी ए लगेगा, ठीक है। सॉरी, चलिए सेट करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर एप्पल, एप्पल स्टार्ट ए से हो रहा है और ये हमारा क्या है? सबसे पहला वोवेल है, तो हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी आगे ए है, वोवेल है, तो हम यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला, छाता, वो भी यूज वोवेल से स्टार्ट होता है, तो हम एन यूज करेंगे, क्योंकि वोवेल हम जानते हैं पाँच होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन पाँचों में से कहीं भी आपको स्टार्टिंग दिख रहा है वर्ड में इन पाँचों का प्रयोग, आप वहाँ बेफिक्री से एन लगाइए। एक्स, एक्स कुल्हाड़ी, एक्स के आगे ए है, यहाँ पे भी हम एन का प्रयोग करेंगे। चलिए लास्ट में पहुँचते हैं जग, जे है, जे हमारा कॉन्सोनेंट है, तो आगे ए लगेगा, ए जग। बैट, बैट भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। इंजन, इंजन जो होता है वो हमारा ई है, आई ए ई आई ओ यू, ई आ रहा है, वोवेल है, एन का प्रयोग करेंगे। और बनाना, बनाना तो बी है, तो ए का ही प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। जहाँ आपको समझ नहीं आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।